अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं एकदम सॉफ्ट और स्पंजी रसमलाई। रसमलाई बहुत ही फेमस इंडियन डेजर्ट है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एकदम सॉफ्ट और स्पंजी हलवाई जैसी रसमलाई घर पर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस रसमलाई की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम रसगुल्ले बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है। आपके पास अगर गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप भैंस का दूध भी ले सकती हैं। उसको गर्म करके 7 से 8 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, तो उस दूध पे मलाई आ जाएगी। उस मलाई को हटा दीजिए तो वो वाला दूध भी लो फैट हो जाएगा। हमें इस रेसिपी के लिए लो फैट मिल्क यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर गाय का दूध यूज़ करा है। चीनी यानी कि शक्कर ली है हमने 1 कप। इसी के साथ देखिए, दूध फाड़ने के लिए मैंने विनेगर लिया है। अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल नहीं है तो आप फिटकरी यानी कि एलम का भी यूज़ कर सकती हैं या फिर नींबू का। यहाँ पर हम पानी यूज़ करेंगे और ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 1 छोटा चम्मच। ये तो हमारे रसगुल्लों का सामान हो गया। और रसमलाई की रबड़ी बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने दूध लिया है। ये फुल क्रीम दूध है। यहाँ पर हमें लो फैट मिल्क यूज़ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क लिया है 1/2 लीटर। करीब आधा कप हम यहाँ पर चीनी यूज़ करेंगे क्योंकि दूध की क्वांटिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने 7 से 8 पिस्ते लिए हैं। 3 इलायची लिए हैं हमने, हरी इलायची, इसका हम पाउडर बनाएंगे। और मैंने 10 से 12 बादाम ली है। और ये मैंने 2 पिंच के करीब सैफ्रन यानी कि केसर ली है। इससे रसमलाई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आइए हम बनाना शुरू करते हैं एकदम टेस्टी और हलवाई जैसी रसमलाई। सबसे पहले हम छेना बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, गैस पे रख दिया है। इस कढ़ाई में हम दूध डाल देंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और इस दूध में हम एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। देखिए, हमारे दूध में एक बॉईल आ चुका है। अब हम इसको अच्छे से हिला देते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है हमने। अब इस दूध को हम ठंडा होने देंगे। हमको इसको बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है, सिर्फ हम इसको टच कर सकें हमें इतना इसको ठंडा करना है। तो हम करीब 2 से 3 मिनट तक इसको ठंडा करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इस दूध को हम चेक करते हैं। देखिए, हम इसको आसानी से टच कर सकते हैं, यानी कि हमारा दूध परफेक्टली ठंडा हो चुका है। यहाँ पर मैंने विनेगर और वाटर का मिक्सचर लिया है। 1 बड़े चम्मच विनेगर में मैंने 1 चम्मच पानी डाल दिया था। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप एलम यानी कि फिटकरी यूज़ कर रही हैं तो भी आप 1 चम्मच एलम में 1 चम्मच पानी डाल लें। देखिए, थोड़ा थोड़ा छेना बनना स्टार्ट हो गया है। दूध का फटना उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपका दूध नहीं फटता है तो आप इसमें 1 चम्मच विनेगर और ऐड कर सकती हैं, उसे पानी में घोल कर। देखिए, थोड़ा सा और इसमें हम ऐड करेंगे ताकि जल्दी से फट जाए। देखिए कितना परफेक्टली ये छेना बना है। हमारा दूध से पूरा छेना अलग हो गया है। अब हम इसमें आइस कोल्ड वाटर डालेंगे। मैंने एक बॉटल में पानी रख दिया था फ्रीज़र में 1/2 घंटा। बिल्कुल ठंडा पानी डाला है हमने इसमें। इससे क्या होगा, जब हम छेना बनाते हैं तो वो थोड़ा रबरी हो जाता है, यानी थोड़ा चम्मड़ हो जाता है, तो ये वो नहीं होगा, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा छेना। तो अब हम इस छेने को स्ट्रेन कर लेते हैं। एक स्ट्रेनर में हम एक मलमल का कपड़ा बिछाएंगे। आप कोई सा भी कपड़ा यूज़ कर सकती हैं, बस उसका कलर नहीं निकले इस बात का ख्याल रखें। अब हम इसमें छेना डाल देते हैं। छेने में हमने ठंडा पानी डाल लिया था इसलिए वो ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, हमें उसे अब ठंडा नहीं करना है। हम इस छेने को अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेते हैं ताकि जिस भी चीज़ को हमने यूज़ करा है इसे फाड़ने में उसका टेस्ट इसमें से निकल जाए। जैसे हमने विनेगर का यूज़ करा था तो विनेगर का पूरा टेस्ट इसमें से निकल जाए। इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे और चारों कोनों को पकड़ के इसे हम एक पोटली बना देते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए रख सकती हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम इसका पानी अच्छे से निचोड़ देंगे। अच्छे से हम इसका पूरा पानी निकाल देते हैं। अच्छे से दबाकर इसका पूरा पानी निकालने के बाद हम इस छेने को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे।
ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के लिए हम इस छेने को अलग रख देते हैं। जब तक हमारा छेना रेस्ट कर रहा है, रबड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन गैस पर रख दिया है, इसमें हम दूध डाल देते हैं, जो फुल क्रीम दूध लिया था हमने। गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और इस दूध को हम आधा होने तक पकाएंगे, यानी कि दूध की क्वांटिटी हम बिल्कुल आधी कर लेंगे पका पका कर। देखिए दूध की क्वांटिटी आधी हो चुकी है। हमने फुल फ्लेम गैस पर इसको हिलाते हुए पकाया है ताकि ये बिल्कुल भी पेंदे में नहीं लगे। अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देते हैं। शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, पहले थोड़ी कम डालें क्योंकि अगर कम रहेगी तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा रहेगी तो हम कम नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने आधा कप शक्कर यूज़ करी है। अब हम इसमें केसर डाल देते हैं। केसर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस रसमलाई में। केसर डाल दी है हमने करीब 2 चुटकी। सॉरी यहाँ पर थोड़े मेरे कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है। अब हम इसमें कटी हुई बादाम डाल देते हैं। कटे हुए पिस्ते शूज़ यानी कि पिस्ते डाल दिए हैं हमने। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें बिल्कुल 1 या 2 ड्रॉप फूड कलर डालेंगे। मैं यहाँ पर जो मार्केट में मिलता है केसर येलो, वो फूड कलर डाल रही हूँ। हमें बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर कलर यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें, नहीं तो नहीं करें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा पकने देते हैं। हमको बहुत ज़्यादा दूध को गाढ़ा नहीं करना है, हमें इसकी रबड़ी नहीं बनानी है, बस हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको हिलाते रहेंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि रबड़ी बना लेते हैं बिल्कुल गाढ़ी और वो रसगुल्लों पर डाल देते हैं कि ये रसमलाई हो गई, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है रसमलाई की। जब तक रसमलाई मतलब जो हम रसगुल्ले बनाएंगे वो रबड़ी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो प्रॉपर मार्केट जैसी रसमलाई नहीं बनती है। आपने देखा होगा जब हम मार्केट से रसमलाई लाते हैं तो उसकी रबड़ी अंदर तक एब्जॉर्ब रहती है, बहुत ही बढ़िया रहती है वो। तो बिल्कुल वैसी ही रसमलाई आज हम बनाएंगे घर पर। देखिए हमने इसको करीब 5 मिनट और पका लिया है। शक्कर बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी बहुत गाढ़ी नहीं है, सिर्फ थोड़ी गाढ़ी हुई है और केसर ने भी अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। हमको यही कंसिस्टेंसी चाहिए और ये थोड़ी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है हमने और इसको हम ठंडा होने रख देते हैं। हमारे छेने ने भी आराम कर लिया है, एकदम बिल्कुल ड्राई हो गया है ये छेना। हमको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, एकदम देखिए कितना परफेक्टली ड्राई हो गया है ये छेना। हम इसे हथेली के पीछे वाली साइड से मथ लेते हैं ताकि इसमें एक भी लंब नहीं रहे। आप जितना अच्छे से मथेंगे उतना ही परफेक्टली आपके रसगुल्ले बनेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको मथ लेते हैं हथेली के पीछे वाले साइड से और देखिए कितना बढ़िया डो का शेप ले रहा है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखा है, अच्छे से ड्राई होने दिया है छेने को। तो कितना परफेक्टली ये अच्छे से मथ रहा है और ये बिल्कुल भी हले से नहीं चिपक रहा है। मथने का टाइम छेना पर डिपेंड करता है। मेरा तो ये छेना 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आपका छेना बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी में नहीं आता है, जैसे हमारा डो का शेप ले रहा है ऐसी कंसिस्टेंसी में नहीं आता है छेना, तो आप इसे मथते रहिए। जब तक ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं आती है, ऐसी कंसिस्टेंसी 1 मिनट में भी आ सकती है और 10 मिनट भी लग सकते हैं, ये बिल्कुल छेना पर डिपेंड है। अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच। कॉर्नफ्लोर को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। कॉर्नफ्लोर का अच्छे से मिक्स करके फिर से हम इसको मथेंगे। जब तक ये अच्छे से डो की शेप नहीं ले लेता तब तक हम इसको मथेंगे अच्छे से। हमारा कॉर्नफ्लोर और छेना आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत अच्छे से आपने इसे मथा है। कितना बढ़िया इसने डो की शेप ले ली है। एक पैन लेंगे, इसमें हम शक्कर डालेंगे, करीब 1 कप शक्कर डालेंगे हम, और इसमें हम 5 से 6 कप पानी डालेंगे। गैस ऑन कर देते हैं और हम इसको अच्छे से उबलने देंगे।
जब तक हमारी चाशनी उबल रही है हम डो के पेड़े टाइप बना लेते हैं। हथेली के बीच से हम इसको थोड़ा प्रेशर लगाकर गोल करेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्टली पेड़े का शेप ले ले। देखिए हमें ऐसे बनाना है। मैं यहाँ थोड़े बड़े साइज़ की रसमलाई बना रही हूँ, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकती हैं। पकने के बाद रसमलाई अपने साइज़ से डबल हो जाएगी, इसलिए अगर आप छोटी पसंद करती हैं तो बिल्कुल छोटी ही बना सकती हैं इसे। बस इस बात का ख्याल रखें कि आप जितनी बड़े बनाएंगी वो साइज़ में डबल हो जाएगी। पूरे डॉग की बॉल बना ली है हमने, चाशनी में भी उबाल आ चुका है तो हम इस बॉल्स को चाशनी में डाल देते हैं। हमने एकदम पतली चाशनी बनाई है इसकी। पूरी बॉल्स डाल के हम इसको कवर करके फुल फ्लेम पर करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 7 मिनट बाद हम इस बॉल्स को चेक करेंगे। देखिए 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी बॉल्स बिल्कुल साइज़ में डबल हो चुकी है, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम इसे पलट देते हैं, चम्मच से पलटेंगे हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे। बहुत नरम रहती है ये इस स्टेज पर, बिल्कुल बहुत सावधानी से करें नहीं तो ये टूट सकती हैं। देखिए हमने पूरी रसमलाई के रसगुल्लों को पलट दिया है। अब फिर से हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर करीब 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। हम 7 मिनट बाद इसको चेक करेंगे कि इसका फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है। देखिए 7 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर और पका लिया है और हमारे रसगुल्ले डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं साइज़ में। बहुत ही फ्लफ़ी फ्लफ़ी है ये, देखिए। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि ये पके हैं या नहीं। 1 कप में मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, इसमें हम ये रसगुल्ले को डुबाएंगे। देखिए ये रसगुल्ला बॉटम में बैठ गया है, यानी कि हमारे रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार है। अगर आपका रसगुल्ला पानी में तैर रहा है तो आप इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट और पका लें। हमारे तो रसगुल्ले बहुत अच्छे से पक चुके हैं तो गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और इन रसगुल्लों को हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे रसगुल्ले थोड़े ठंडे हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक बाउल में 10 से 12 आइस क्यूब लिए हैं। इस पर हम थोड़ी सी चाशनी डालेंगे, ये इससे हमारी एकदम ठंडी हो जाएगी चाशनी, बिल्कुल आइस कोल्ड। अब हम इस ठंडी ठंडी चाशनी में जो हमने ये रसगुल्ले बनाए हैं ये डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो इतने फ्लफ़ी फ्लफ़ी हैं एकदम स्पंजी रसगुल्ले, ये स्पंजी ही रहेंगे। बाद में ये इसे चपटे और नरम नहीं होंगे, बिल्कुल स्पंजी ही रहेंगे हमारे रसगुल्ले। जैसे हम मार्केट से लाते हैं बिल्कुल वैसे रहेंगे ठंडे होने के बाद भी, इसलिए हमने इसको शॉक दे दिया है, यानी कि गर्म से ठंडा कर दिया है हमने इसको। और ये प्रोसेस आपको 10 मिनट बाद ही करनी है। सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें रसगुल्लों को ठंडा करना है और फिर एकदम बहुत चिल्ड पानी में इसको ठंडा करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको बना के रख दिया और 1-2 घंटे बाद इसको ठंडे करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। यह हमारे एकदम स्पंजी रसगुल्ले बन के तैयार है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकती हैं ठंडी चाशनी में 1/2 घंटे रख के, लेकिन हम इसके 1/2 घंटे इस ठंडी चाशनी में रखने के बाद रसमलाई बनाएंगे। मैंने इसे रबड़ी में इलायची पाउडर भी डाल दिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सॉरी मैं पहले इसको डालना भूल गई थी। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1/2 घंटा हो चुका है और हमारे रसगुल्ले भी अच्छे से सेट हो चुके हैं, तो हम इस रसगुल्लों को रबड़ी में डाल देते हैं। हथेली से इसे दबाकर जो एक्स्ट्रा सिरप है वो निकाल देंगे। हम इस रसगुल्लों को अच्छे से रबड़ी से कवर कर देते हैं और हमें इसको 4 घंटे के लिए सेट होने रखना है ताकि एकदम बढ़िया अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले रसगुल्ले रबड़ी को। 4 घंटे से आप इसको ज़्यादा भी रख सकती हैं, ज़्यादा रखेंगी तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, लेकिन 4 घंटे तो हमें इसको रखना ही पड़ेगा। तो हम इसे 4 घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। आप चाहें तो रेफ्रिजरेट भी कर सकती हैं इसे, बट हम इसे रूम टेम्परेचर पर रखना प्रेफर करेंगे। 4 घंटे हो चुके हैं, हमारी रसमलाई को हम सर्व करते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट बनी है ये रसमलाई, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। मैं इसे एक मिठाई जमाने के ट्रे में सर्व कर रही हूँ, जैसे हमें मिठाई की शॉप्स पे मिलती है बिल्कुल वैसे। देखिए हमने रसमलाई को सर्व कर दिया है।
डेढ़ लीटर दूध में हमारी 15 रसमलाई बन के तैयार हुई है। 1 लीटर दूध हमने छेने के लिए यूज़ किया था और आधा लीटर में हमने रबड़ी बनाई थी। टोटल 1.5 लीटर दूध हमने यूज़ किया था। हमारी रसमलाई को टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसी बनी है। देखिए कितने अच्छे से इसने अंदर तक रबड़ी को एब्जॉर्ब कर लिया है। हमने इसे थोड़ी पतली रबड़ी में रखा था ताकि ये अच्छे से रबड़ी को एब्जॉर्ब कर ले और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बने। वाओ, बिल्कुल परफेक्ट बनी है ये रसमलाई। आपको एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। रसमलाई मेरी तो बिल्कुल फेवरेट है। इसमें केसर का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। कितना बढ़िया टेक्सचर आया है इसका देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसे हलवाई स्टाइल में बनी है ये। और देखिए कितनी ज़्यादा स्पंजी है ये। 4 घंटे रखने के बाद भी देखिए बिल्कुल स्पंजी है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है ये हलवाई स्टाइल की। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बने हैं इसके रसगुल्ले भी और रबड़ी भी। देखिए इसका बेस कितना परफेक्ट है ये। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि आपने घर में बनाई है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये टेस्टी और यम्मी स्पंजी रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।